हालत ख़राब हो गई है। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया है। वैसे तो मतलब ही दुनिया होती है, हम सबकी मदद करते हैं, हमारी कोई नहीं करता, कोई किसी की नहीं करता। ये देखो शानदार गाड़ी, कितनी मस्त लग रही है। अब कैसी थी कैसी हो गई, तो यहाँ की चढ़ाई भी इतनी ख़तरनाक है ना। ओ भाई तो हे दोस्तों, कैसे हो, आ चुके हैं हम अपने एक और नए वीडियो के साथ। और फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं चंपावत के लिए, और अभी पहले मैं जा रहा हूँ बैंक चंपावत में, हमारी एक ड्रोन बुकिंग थी तो वहाँ पर ही हम जा रहे हैं। और 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा महोत्सव यानी कि प्रोग्राम वोग्राम होता है, उसके लिए मैं निकल रहा हूँ अकेले। और रास्ता हमारा रहेगा टनकपुर वाला, जिस रूट में हमने पहले ब्लॉग बनाया, ड्रोन शॉट्स भी डाले हुए थे, उसी रूट में हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ का एक फेमस टेंपल है जो कि मैं आपको वहाँ जाके उसकी फुल डिटेल में बताऊँगा। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ, सामान वामान मैंने पैक कर लिया, एक बार मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हमारा रॉनी, हेलो मुक्कू, और ये हमारा सामान बैग, डिग्गी में रखा है हमने अपना ड्रोन और कैमरा, इतने ही हमारे पास सामान है। तो अभी का सीन ऐसा है कि मैं फंस चुका हूँ मुसीबत में, और मुसीबत इतनी खतरनाक होगी कि चंपावत यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और अब मेरे गाड़ी की जो क्लच वायर होती है वो टूट चुकी है, यानी कि मेरी गाड़ी अब स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ ऐसी जगह में। यहाँ पर कोई नहीं है आसपास, और दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे मैंने ये स्टार्ट करी, अभी जो इसकी स्पीड है ये हो गई फ्री, यानी कि इसके वायर है जो टूट चुकी है, इसकी वजह से मैं यहाँ बहुत गंदा फंस गया हूँ। और मैंने फ़ोन तो कर रखा है, जियाजी को भी फ़ोन कर लिया, मैकेनिक को भी फ़ोन करा था, और वो भैया को भी फ़ोन करा था चंपावत वालों को, उन्होंने कहा देखते हैं अभी कुछ होता है तो। बाकी जियाजी ने एक से बात कराई है, अभी देखते हैं आता है नहीं आता है, जो भी होगा वरना गाड़ी लेके मेरे को निकलना पड़ेगा, और इस गाड़ी को यहीं पर ही खड़ा करना पड़ेगा इस जगह पर, इस जगह का मेरे को नाम भी नहीं पता। ऐसे होता है, बैकअप नहीं होता तो ऐसे होता है। वैसे बैकअप क्या होगा, दूसरी गाड़ी थोड़ी लेके आएंगे। बाकी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब कोई आएगा मैकेनिक वगैरह तभी आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए बाय। बैठता हूँ यहाँ पर, पानी का शोर आ रहा होगा यहाँ पर, पानी की सब यहाँ पर गाड़ियाँ रुक रही हैं और पानी पी के निकल ले रही हैं। जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर रुक रही है, कितनी मस्त लग रही है, लग तो मस्त रही, क्या करें धोखा दे दिया इसने, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। 15-20 मिनट बाद में उस मैकेनिक को कॉल करूँगा जब वो इधर को आ जाएगा, मतलब आधा घंटा तो उसको लगेगा चंपावत से इधर आने में, 20 किलोमीटर है, 15-20-25 मिनट तो मान के चलो। बाकी यहाँ पर आएगा फिर उसके बाद पता नहीं कितना रुपये लगेगा, चलो खर्चा वर्चा तो देख लेंगे। बाकी हालत ख़राब हो गई है, शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया है। वैसे तो मतलब ही दुनिया होती है, हम सबकी मदद करते हैं, हमारी कोई नहीं करता, कोई किसी की नहीं करता। वहाँ पर रुका हुआ था मैं, वहाँ से लेके आ रहा हूँ, और अभी चढ़ाई है एकदम खड़ी, थोड़ा खराब हो गई है, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जाती है, तो यहाँ की चढ़ाई भी इतनी खतरनाक है ना। ओ भाई, तो एक किलोमीटर चलने के बाद और भैया आ चुके हैं यहाँ पर, अपने मैकेनिक भैया, 5-5:30 हो चुके होंगे, और ये यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया, अभी देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। हालत ख़राब हो गई भाई, 1 किलोमीटर धक्का मारने में, ऊपर से चढ़ाई ऐसी है, फिनिश। वहाँ पर एक वाटरफॉल है छोटा सा, चलिए देखते हैं अभी कितना टाइम लगाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा हमको, बहुत लेट हो गया आज तो। ये देखो शानदार गाड़ी, कितनी मस्त लग रही है, अब कैसी थी कैसी हो गई, अभी भी काम चल रहा है इसका, जब काम हो जाएगा फिर हम इस वाले रास्ते में निकलेंगे यहाँ से होते हुए। सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है। होटल से मैं निकल चुका था जहाँ पर संदीप था, और फिर अभी मैं जा रहा हूँ गंगोली हाट को, तो ये वाला रास्ता आगे के लिए गंगोली हाट के लिए, और ये नीचे घाट है, और ये पूरा घाट वाला एरिया है, ये पिथौरागढ़ को जाता है, जो कि 18 किलोमीटर यहाँ से पिथौरागढ़ बचा हुआ है। देखते हैं आते टाइम क्या पता हम पिथौरागढ़ निकल जाएँ रील्स वगैरह बनाने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। बाकी अभी हम निकल रहे हैं गंगोली हाट के लिए, और गंगोली हाट यहाँ से अभी मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट कितना है, पर 5 किलोमीटर बाद मेरे को कटना है राइट में पुल से, फिर वहाँ से सिंगल लेन रोड है, यहाँ से डबल है, वहाँ से सिंगल हो जाएगी, और ये ही रास्ता अल्मोड़ा रानीखेत के लिए जाता है। तो चलिए फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं गंगोली हाट, और पीछे की तरफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, यह है महाकाली मंदिर गंगोली हाट का, और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, भैरव बाबा का मंदिर भी है, और शनि मंदिर भी है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक करके, सबसे पहले ऐसा काम करता हूँ मेन मंदिर पर ले जाता हूँ आपको, कैमरा तो अलाउड नहीं होंगे आई होप, एक बार मंदिर दिखा देता हूँ आपको अंदर से। तो
ये है इसका सन फेंटर लुक। और अब मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर दिखाने आपको, शनि मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है तीन कुमार राइफल्स ने इसको बनाया होगा, या शायद यहाँ पर वो उसको अरेंज करती होगी। हनुमान मंदिर है यहाँ पर, जय हनुमान जी की। और ये है एक कुमाऊँ का स्कॉट है, एक आर्मी वालों का है, या आर्मी वालों के अंडर में आता है शायद, पता नहीं, नॉट फुल्ली कन्फर्म्ड। ये है बंदर, ये है मेन शिव जी का मंदिर। तो चलिए आधा मंदिर तो आपने देख लिया, आधा मंदिर ड्रोन से देखिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है। मैं आपको पूरा मंदिर ड्रोन से दिखाता हूँ, मस्त एकदम तगड़ा दिखेगा। यहाँ पर हमारा मेन महाकाली का मंदिर, और ये शनि मंदिर, शिव जी का मंदिर और भैरव मंदिर पीछे की तरफ। चलिए हम तो दर्शन कर लिए हैं, और अब आपको दर्शन करा देते हैं हमारे ड्रोन से। चलिए पिठे वीठे लगा लेते हैं अंदर जाके, यहाँ पर ही है। चलिए फिर पिठिया वीठे तो लगा लिया, और अब हम जा रहे हैं। भैया को मैंने सामान छोड़ दिया था कि भैया थोड़ी देर देख लेना, वो भी भैया बागेश्वर से आ रखे हैं यहाँ पर, और बाकी अपना काम हो गया। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम आए थे यहाँ पर इवेंट में, और वहीं पर ही चलते हैं। कल जन्माष्टमी है मेन, तो वहाँ पर कल होगा। बाकी ये वाला एपिसोड रात तक रहेगा, आज जो भी होगा वो सब दिखा दूंगा आपको। और आई होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगेंगे मंदिर के, ये एरिया भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी चलिए हाँ मिलते हैं, ओके बाय बाय। अच्छी जगह प्यारी, कभी घूमने आओ। और अभी मैंने आपको लोहा घाट के ड्रोन शॉट्स भी दिखाने हैं, बहुत डिमांड है लोहा घाट के ड्रोन शॉट्स डालो, ड्रोन शॉट्स डालो, डालते हैं। चलिए फिर फिलहाल हम पहुंच गए शनि मंदिर, और भैरव मंदिर और शिव मंदिर के दर्शन तो हो गए थे। भगवान देखो, चलिए बकरियाँ क्या कर रही है भाई। और एक डिटेल में आपको कुछ बताना है, वो थोड़ी देर में बताता हूँ। ऊपर पहुँच के अभी थकान लगती है। तो अभी मैं जो बता रहा था, ये देखिए जो ये दिख रहे हैं आप, ये कुमाऊँ के बने हुए हैं। जितने भी आपको ग्रीन पिलर दिखेंगे, अलग अलग रेजिमेंट ने यहाँ पर अपना योगदान दिया हुआ है। जैसे वो देखिए 50 RR कुमाऊँ और 17 कुमाऊँ, 6 कुमाऊँ। नीचे जाके दिखाता हूँ आपको, जितना भी हरा और येलो में दिख रहा है आपको, ये सारा काम कुमाऊँ रेजिमेंट ने यहाँ पर करवाया हुआ है, क्योंकि काली माता की उन पर बहुत बड़ी छाया रही है। ये देखिए यहाँ पर 17 कुमाऊँ, यहाँ पर 6 कुमाऊँ। ये देखिए ऐसे मिलेंगे आपको जगह जगह पे पिल्लर्स, और पीछे की साइड में भी हैं यही पिल्लर्स, सामने भी बनाए हुए हैं, और यहाँ पर इनके ऑफिस भी बने हुए हैं। ये ऑडिटोरियम टाइप का है, यहाँ पर आर्मी वाले आते होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। बाकी इतना मेरे को यहाँ के लोकल्स ने बताया था। अभी मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जो पीछे की तरफ ये अलग गेट दिख रहा है आपको, ये भी आर्मी के अंडर ही बनाया हुआ है, और मतलब ऐसा बोलते हैं कि भगवान की छाया रही थी उनके ऊपर हमेशा से, और काली माता ने उनका बहुत साथ दिया है इस सफ़र में, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा योगदान दिया हुआ है, और यहाँ पर हमेशा आते हैं और कुछ स्टे करके फिर निकलते हैं। बाकी अभी हम भी निकलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमने जाना है बबलू पांडे जी के पास। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने रूम में, मंगोलिया हेड में हमको अपना रूम मिल गया है, और यहाँ पर सामान वान हमें रख लिया है उधर की तरफ, बैग और कैमरा वगैरह। कल मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, 1-2 घंटा, फिर निकल जाऊँगा पीछे की तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है वो मंदिर।